यस गाइस, वॉर जोन इज कमिंग टू मोबाइल। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वॉर जोन को हर एक जगह से कॉपी कर रहा है, चाहे वो प्लेट्स हो, चाहे वो लोड आउट ड्रॉप हो, चाहे वो गन्स में। तो हर जगह से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वॉर जोन को कॉपी कर रहा है, और मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वॉर जोन को किन किन चीज़ों में वो कर रहा है कॉपी। सो गाइस, लेट्स गेट राइट इनटू इट। वेपन लूट सिस्टम। जैसा कि आप गाइस अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में गन्समिथ आ रहा है। गन्समिथ बेसिकली ये होता है कि आप अपने वेपन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि वॉर जोन में डिफरेंट टाइप ऑफ बैरल्स होते थे, स्टॉक्स होते थे, एम्यूनेशंस और होती थी, कि आप एक छोटी सी पिस्टल में स्नाइपर स्टॉक भी लगा सकते हैं बड़ा सा। वही सारी सेम चीज़ें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा, और मेरे ख्याल से बिगेस्ट बैटल रॉयल गेम बन जाएगा इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्यूनेशन, रेयर ग्रिप, स्टॉक, ये साइट से आप यूज़ कर सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में वो भी आ रहा है, लोड आउट ड्रॉप। लोड आउट ड्रॉप बेसिकली ये होता था, जो आप वेपन कस्टमाइज करेंगे ना गनस्मिथ में, वो आप बैटल रॉयल में एक्वायर कर सकते हैं। एक लोड आउट ड्रॉप आसमान से गिरेगा, और आप उस लोड आउट ड्रॉप में से उस वेपन को एक्वायर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। न्यू आइटम्स, गन मोड्स। ये वैसे मुझे बेसिकली अभी पता नहीं है गन मोड होते क्या, मैंने पहली बार सुना है गन मोड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। और इसमें अभी वो भी आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेट्स। वॉर जोन में बेसिकली एड्रेलिन और काइंड ऑफ कुछ नहीं होता था, शील्ड्स उसमें हम प्लेट्स यूज़ करते हैं। वैसे ही इसमें आप प्लेट्स यूज़ करेंगे, इसमें आई थिंक सो एड्रेलिन चले जाएगा, बैंडेजेस और इसमें प्लेट्स होंगी, और वो प्लेट्स हमारी बॉडी को कवर रखेंगी। आप मैक्सिमम 3 प्लेट्स वॉर जोन में यूज़ कर सकते हो, और इसमें भी पैराशूटिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सेम ओपनिंग सीन है वॉर जोन का, ये मुझे नहीं पता था, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सेम, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ में वॉर जोन को कॉपी कर रहा है। इसमें ओपनिंग सीन भी सेम है कि प्लेन ऐसे ऊपर आ रहा है, और हम प्लेन के अंदर दिख रहे हैं। इसमें गन्स में थे, इसमें आप वेपन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें प्लेट्स हैं, इसमें लोड आउट ड्रॉप है, और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि इसमें हर एक प्लेस के ऊपर उनका नाम भी लिख के आ रहा है। ये वॉर जोन में भी होता है, और इसमें भी आ रहा है। मतलब देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ों में वो कॉपी कर रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वॉर जोन को। किल इफेक्ट्स एडेड। किल इफेक्ट्स तो बेसिकली हर एक कॉल ऑफ ड्यूटी में ही होते हैं, ये इसमें क्या कॉपी। वाटर रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओ अच्छा, ग्राफिक्स और अच्छे कर रही है, अच्छी बात है कि अपने ग्राफिक्स ही अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ग्राफिक्स मुझे इतने अच्छे लगते नहीं थे हमेशा से, पर अब अच्छी बात है ये और अच्छे कर रहे हैं गेम के ग्राफिक्स। न्यू एरियाज, इंट्रोड्यूसिंग 4 न्यू एरियाज टू एक्सप्लोर। कैंप ग्राउंड, रेडार बेस, आउटपोस्ट, डॉर्मेंटरी। कि चारों प्लेसेस नई नई आ रही है, और इनमें से कोई भी प्लेस वॉर जोन में नहीं है, सारी नई प्लेसेस हैं। चलो कम से कम प्लेसेस तो कॉपी नहीं कर रहा है ये और सब कुछ कॉपी कर लिया, थोड़ा बहुत तो बचा के रखा। मुझे तो लगता है हमें अब वॉर जोन खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। PS4 को छोड़ो, PC को छोड़ो, सब लोग फ़ोन पे आ जाओ, अब वॉर जोन इनडायरेक्टली मोबाइल पे ही तो आ रहा है, हमें ज़रूरत क्या है वॉर जोन खेलने की, सब पूरे दिन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ही खेलो। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और घंटे को दबाना मत भूलेगा, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप हमारी वीडियो को देख के एंटरटेन होते रहे। सो गाइज, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए पीस आउट।